असलम वालेकुम कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे तो आज मैं बनाने वाली हूँ ढाबा स्टाइल ड्राई फ्रूट चिकन अगर आप ढाबे की रेसिपी देखना चाहते अगर आप लंबा ढाबे पे जाने के लिए कंटाल रहे हाँ। तो आप लोग घर में ही ये ड्राई फ्रूट चिकन बना सकते बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनाता तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक किलो चिकन ली हूँ चिकन को मैंने अच्छी तरह से साफ करके अच्छी तरह से धो ली हूँ मैंने ली हूँ हड्डी वाला चिकन हाँ। उसे क्या बोलते हैं आसिफ बोन वाला चिकन बोन वाला चिकन तो चलिए सबसे पहले हम उसमें डाल देंगे एक नींबू का रस उसी के साथ में काली मिरी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच वाटी को अच्छी तरह से साफ करेंगे उसी के साथ में मैं डाल लूंगी इसमें एक चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर अभी इसके अंदर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच आधे चम्मच से भी कम लियो मैंने एकदम ज्यादा नहीं लियो चलिए अभी हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए अभी इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तो एक चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी ये छोटा वाला चम्मच है इसीलिए मैंने दो चम्मच डाली हूँ अभी हम इसमें डालेंगे ये चम्मच से दो चम्मच कॉर्नफ्लेन और ये चम्मच से दो चम्मच मैदे का आटा और यही वाले चम्मच से एक चम्मच हम बेसन यूज करेंगे एकदम बोलिए चलिए अभी इसमें मैंने सारी चीजें डाल चुकी हूं अभी मैं क्या करूंगी इसे इसमें हाँ सॉरी इसमें डालूंगी मैं एक अंडा है ना अभी इसमें सारी चीजें चली गई है अभी हम करेंगे इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स एकदम अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे रख देना है हमें आधे से एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए उसके बाद में हम इसे फ्राई करेंगे गाइस क्या बोलू इतना टेस्टी बनाता और इतना लजीज बनाता कि पूछो सच्ची बात बोलू मैंने इसे फर्स्ट टाइम बनाई थी ये मैंने उस दिन ढाबे पे खाई थी तो मैंने सोची थी कि यह रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मगर मुझे वक्त ही नहीं मिला तो इसीलिए मैंने आज मुझे टाइम मिला तो मैं बोली चलो इसे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ तो यहाँ पर तेल मैंने गर्म होने रख चुकी हूँ अभी इसे हम एक एक पीस को हम इस तेल में डालेंगे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तेल जब खूब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा ना तो घैस को आप मीडियम पे कर देना और इसे अच्छी तरह से फ्राई करके लेना ये देखिए मैं चिकन के पीस इसमें डाल रही हूँ अभी ये जैसे ही गोल्डन कलर हो जाएगा ना तो मैं ये चिकन के पीस निकाल लूँगी अभी आधे तो चिकन इसमें गल गए रहेंगे हमारे फ्राई करने में चिकन तो क्या है वाफ में ही गल जाते और आधे तो जब मैं इस मसाले में जब मैं इसे ऐड करूंगी हाँ। तब और इतना क्रीमी बना था और इतना चीज भी इसमें मैंने ऐड की थी तो इतना टेस्टी लग रहा था कि पूछो ही मत क्योंकि तो ढाबे हाँ। के हर आइटम में चीज रहता ही है हाँ चीज और क्रीम रहता है हाँ। चीज और क्रीम तो रहता ही है देखिए सारे चिकन हमारे फ्राई करके हो चुके अभी हम क्या करेंगे एक कढ़ाई लेंगे उसमें डालेंगे कम से कम चार से पांच चम्मच ऑयल इसमें थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे अभी डालेंगे बारीक चौप की हुई लहसुन और बारीक चौप किया हुआ अदरक ये हम लेंगे दो दो चम्मच मतलब दो चम्मच अदरक और दो चम्मच लहसुन एकदम बारीक चौप किया इसे एक, एक मिनट तक का हम भून लेंगे फिर उसमें डालेंगे चार से पांच हरी मिर्ची एकदम बारीक चौप की हुई हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए मैं थोड़ा तीखा ज्यादा खाती हूँ इसके लिए मैंने थोड़ी मिर्ची ज्यादा डाली हूँ अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं चलिए अभी हम क्या करेंगे दो से तीन मिनट इन सारी चीजों को भून लेंगे उसके बाद में इसमें डालेंगे आधा कटोरी काजू हाँ। और उसी के साथ में आधा कटोरी मैं डालूंगी किशमिश यानी हाँ। मनु के ड्राई भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से ज्यादा कम या ज्यादा कर सकते हैं चलिए अभी हम उसके बाद में इसमें डाल देंगे टमाटो केचप दो चम्मच भर के ये छोटी सी बाटी है ना तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ तो ये छोटी बाटी आप भर के ले लेना अभी इसमें डालूंगी तीन से चार चम्मच रेड चिल्ली सॉस बरोबर इसी से इसमें टेस्ट आएगा अभी इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच डार्क सोया सॉस थोड़ा सा ही डालना डार्क सोया सॉस ज्यादा मत ऐड कर देना चलिए अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के विनेगर वेरी गुड है ना आसिफ को भी याद हो गया आसिफ को भी मैं शेप बनाना चाहती हूँ <laughs> है ना आसिफ चलिए अभी ये सारी चीजें डाल के हम मीडियम गैस पे इसे थोड़ा टाइम तक का दो मिनट तक का भून लेंगे जैसे ही इसमें तेल छुकने लग गया ये देखिए माशाल्लाह एकदम अच्छे से तेल छुक्ने लग गया अभी ये सारा चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे बहुत ही सिंपल है आप आराम से इसे बना सकते हैं अगर आपके घर पर कभी मेहमान आ रहे हैं या बच्चों को ढाबे की चीज़ें खानी होती है तो आप इसे बनाकर खिला सकते हैं चलिए अभी ये डालने के बाद में हम क्या करेंगे इसे अच्छी तरह से एकदम मिक्स कर देंगे एकदम अच्छे से मिक्स करना है गैस को आप एकदम स्लो कर देना और इसे आराम से मिक्स करते रहना ये देखिए मिक्स

इसे खूब अच्छी तरह से फिर से हम मिक्स करेंगे ये देखिए मैं सीख रहा है ना इसे गैस अभी इसमें क्या होगा हमारा चिकन भी पक जाएगा और तेल भी माशाल्लाह कितना अच्छी तरह से

देखिए गाइस आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये ढाबे जैसा लग रहा था क्या नहीं लग और रहा आप था आप लोग ढाबे पे खाए क्या नहीं वो भी कमेंट हाँ मुझे जरूर बताना और बहुत टेस्टी बहुत जबरदस्त बनाता तो गाइस इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हाँ मैंने और ढाबे की और एक रेसिपी बनाई थी ना सिर्फ क्या नाम है एका। एका। डबल एक का डबल एक का डबल एका भी आप देख सकते वो भी बहुत टेस्टी ऐसी ढाबे की बताती। और, और जूसी बना था एकदम, एकदम जूसी मसाले के साथ में थोड़ा लपेट के लेना इसे मस्त एकदम चलिए बिस्मिल्ला बोल के आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए एकदम जबरदस्त और एकदम टेस्टी और इसके साथ में मैंने बिरयानी बनाई थी हाँ तो बिरयानी की रेसिपी तो आप लोग ने देख चुके और चैनल पे देख रहे है तो भी आप लोग देख सकते आप आज करेंगे ना अफरोज किचन स्टाइल बिरयानी तो सारी बहुत सारी बिरयानी बहुत सारी चिकन में मटन में हाँ। फिश में भी बिरयानी आ जाएगी बहुत सारी आएगी तो चलिए अल्लाह दुआ में याद रखना